हेलो हेलो एमडी इसका अहमद बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। पेटीएम मॉल से ऑनलाइन शॉपिंग में सामान ऑर्डर करवाया था सर। हाँ जी बोलिए। तो कंपनी एनुअल फंक्शन पे लकी ड्रॉ किया, उसमें लकी विनर का कूपन आपका आया फर्स्ट प्राइज में टाटा सफारी गाड़ी का सर। अच्छा तो उसमें कंपनी में लकी ड्रॉ में फर्स्ट प्राइज है, गाड़ी लेते हैं गाड़ी मिलता है, पेमेंट लेते तो पेमेंट मिलता है, क्या लेना है सर आपको? पहले ये बताइए इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? इसके लिए 2500 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज एंड बिलिंग सर्टिफिकेट का खर्च लगेगा, वो आपको पेमेंट करना है और आपका जो प्राइस है वो आपको मिलेगा। अच्छा पेमेंट किसको करना पड़ेगा? वो पेटीएम मॉल का अकाउंट नंबर दिया जाएगा, कंपनी का अकाउंट नंबर दिया जाएगा, फिर उसी अकाउंट से पेमेंट करना होगा। अच्छा, तो इस बात की गारंटी क्या है कि हम जो पेमेंट करते हैं हमको मिलेगा? तो इसकी बात की गारंटी के लिए मैं आपको क्या दूं सर? नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ ना, आप तो वही तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं आपका मैं अपना जॉब आईडी कार्ड आधार कार्ड डिटेल्स वगैरह आपको भेज सकता हूँ सर। अच्छा आपका नाम बताइए। मेरा नाम मिस्टर नितिन कुमार सिंह है सर। कहाँ से बोल रहे हो? इधर से जाने। क्या क्या बोले? हेलो। हाँ हेलो सर। हेलो आप फोन को कर रही है? हाँ सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। हाँ तो बोले कि आप लोग क्या बोले सर? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, कहाँ से रहते हो, कहाँ पे आपका ये है? मैं मिस्टर नितिन कुमार सिंह बात कर रहा हूँ सर, पेटीएम मॉल कंपनी से, विकास नगर लखनऊ से सर। पेटीएम मॉल से बात कर रहे हो जी? अच्छा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले ना सर, आपको 2500 रुपए पेमेंट करना है रजिस्ट्रेशन चार्ज और पेमेंट करने के बाद करना पड़ेगा आपके नंबर पे, पेटीएम नंबर पे, ठीक है? तो नहीं सर, पेटीएम मॉल का जो अकाउंट है उसपे करना होगा सर, नंबर पे नहीं, पेटीएम मॉल का अकाउंट दिया जाएगा सर। पेटीएम मॉल के नंबर पे अकाउंट पे? हाँ सर बिल्कुल। तो उसके कितने दिनों के बाद मिलेगा मुझे आप तो बता रहे? क्या लेना चाहते हैं सर, गाड़ी या ऑप्शन क्या दिए? गाड़ी या पेमेंट? गाड़ी या पेमेंट। अच्छा पेमेंट कितने का बताया? पेमेंट 12,60,000 है सर, गाड़ी फोर व्हीलर टाटा सफारी स्ट्रॉन्ग है सर। ओके। अच्छा तो उसका प्राइस कितना है गाड़ी का? बोले तो सर 12,50,000 रुपीज, 12,60,000। अच्छा अमाउंट भी मिलेगा अपने को, मतलब या फिर दो ऑप्शन दीजिएगा आपकी तरफ से? दो ऑप्शन है सर, उसमें आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं सर। ओके ओके। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या देना पड़ेगा अपने को? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या लेना है, उसी के अनुसार मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बोला जाएगा सर। मान लो कि मुझे कैश चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कैश चाहिए सर तो आप अपना अकाउंट नंबर मुझे नोट करवाइए, ठीक है ना? मेरा पेटीएम अकाउंट नंबर आपकी, अब देखिए सर मैं ये तो नहीं कर सकता हूँ कि आप कौन सा अकाउंट दोगे, आप जिससे अपना बैलेंस मंगाओगे सर, ठीक है ना? जिससे आप ये बैलेंस आप मंगाना चाहते हो अकाउंट नंबर नोट करवाइए, और आप लोग अपना आधार नंबर नोट करवाइए, और लाइन पे आप लोग पेमेंट ट्रांसफर कीजिए, लाइन पे 2 मिनट 27 सेकंड बने रहिए लाइन पे रहकर आप अपना पेमेंट करता हूँ। यहाँ पहले हुए नंबर पे पेटीएम मॉल का जो अकाउंट है उसमें मतलब पेमेंट करता हूँ कितना 2,500 रुपए का, ठीक है? तो कितने दिन के बाद, कितने घंटों के बाद मुझे मिलेगा पेमेंट? सर घंटों नहीं सर, आपको लाइन पे रहकर पेमेंट करना है, लाइन पे 2 मिनट 27 सेकंड वेट करना है, 2 मिनट 27 सेकंड के बाद आपको अपने अकाउंट से पेमेंट निकाल लेना है सर, ठीक है ना? अच्छा 2 मिनट के अंदर मिलेगा पेमेंट जी? 2 मिनट 27 सेकंड आपको केवल वेट करना है ओनली सर। ओके सर, मेरा तो जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो उसमें मतलब आएगा उतना पेमेंट? सर जीरो बैलेंस का हो या किसी भी बैलेंस का हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट आपका अकाउंट ओपन होना चाहिए। जीरो बैलेंस के मतलब 1 लाख की लिमिट होती है बस? सर ये गवर्नमेंट का चेक होता है सर, ठीक है ना? और आपका जीरो बैलेंस नहीं, चेक पे मिलता है कि हमको कैश मिलता है अकाउंट पे? कैश जाता है सर, ये ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, कैश होता है सर, ठीक है ना? और आप लोग अपना अकाउंट नंबर और आधार नंबर मुझे नोट करवाएं सर, ठीक है ना? सर आप बोल रहे थे कि आप अपना आधार कार्ड वगैरह दिखाएंगे अपने को, क्या बोले? हाँ वो व्हाट्सएप पे आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है ना? तो आपका व्हाट्सएप नंबर यही है? नहीं सर, मैं अपना व्हाट्सएप से आपको हाई लिख कर मैसेज करता हूँ सर, ठीक है? सर मैंने सर क्या किया जो मुझे इतना मतलब ये मेरा लकी ड्रॉ मिल गया मुझे? मैंने कोई प्रोमो कोड तो अप्लाई नहीं किया था सर? वो नहीं सर, कंपनी जो है अपना एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट किया, उसमें कंपनी अपना प्रचार प्रसार करने के लिए 10 ईयर तक सीजन के रिगार्डिंग लकी ड्रॉ किया सर, उसी में आपका लकी विनर आया सर। ओके तो मेरा नाम क्या दिखा रहा है वहाँ पे? एक मिनट सर मैं चेक कर लेता हूँ आपको।
ओके आप लाइन पे बने रहिए सर. ओके ओके सर. एमडी इशाक अहमद. एमडी इशाक अहमद दिखा रहे हैं. हाँ जी बिल्कुल. हाँ, हमें कर्नाटक. हाँ जी सर मेरा एरिया 585104. ओके क्या दिखा रहा है पिन नंबर? 585104. ओके ओके सर आपका नंबर मतलब पेमेंट करना है मैं इसका पेमेंट कर दूंगा. अभी आपका व्हाट्सएप नंबर ही है सर? हाँ सर व्हाट्सएप नंबर ही मेरा है. ठीक व्हाट्सएप पे मैं भेज देता हूँ सर. रुकिए सर. हाँ और एक बात पूछना था. जी पूछिए सर. आप जो कॉल करके लोगों को परेशान करते थे फ्रॉड कर के आपको ये मिला वो मिला मतलब करना जरूरी है? नहीं सर ऐसा तो कोई बात नहीं सर. लोगों को ऐसे परेशान करना गरीब लोगों को ऐसे लूटना गलत है ना सर. मतलब 2500 मतलब ज्यादा होते हैं आज के जमाने में. सर ये कोई फ्रॉड कॉल नहीं है. आपको लग रहा है तो आप सर मेरा यूट्यूब पे चैनल है. ओके टेक्निकल चैनल है. आपने मतलब उसी को कॉल कर दिया. क्या बोला? मैं लोगों को समझाता हूँ सिखाता हूँ यूट्यूब पे कैसे नहीं करना चाहिए गलत बात है. आपने मुझे ही कॉल कर दिया डायरेक्टली. कब बैठा? हाँ सर क्या हो गया? बोलो ना क्या हुआ बोलो बेटा. मैं भी ने कॉल मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया आपने. तो क्या करे बोलो. हाँ सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको इस तरह से कॉल करना जरूरी है क्या? लोगों को परेशान करना जरूरी है क्या? बस सर फोन क्यों काट रहे हो? हेलो. हाँ सर फोन क्यों काट रहे हो? मेरे को जवाब दे. नौकरी. अच्छा लोगों को लूट के खाते हो पैसा? तो इतना मिलता है? अरे महीना में 4-5 लाख रुपया कमा लेते तुम जैसे लोग को लूट के. मुझे से लोगों को लूट के क्या बात है सर? अच्छा सुन सुन. हेलो बोल ना. हाँ देखो नंबर कहाँ से मिला मेरा? पेटीएम मॉल से मिला. पेटीएम मॉल से कहाँ से? कंपनी का आदमी दिया वहाँ पे जो काम करता है वो दिया. और कौन दिया? कंपनी के लोग मिले हैं इसमें. हाँ जब अगर तुमको दिमाग में काम करता है जब तुम्हारा कंपनी है तो तुम नए नंबर दोगे तो कहाँ से आ जाएगा? मैंने परसों मतलब जो है ना मतलब ऑर्डर किया था पेटीएम से इसकी वजह से मेरा नंबर शायद वहाँ पर चला गया. उसी ने तेरे को नंबर दिया होगा कि ये नंबर पे कॉल करके इसको इस तरह से बोल शायद मतलब इस तरह से कुछ करेगा ना. अरे भाई मैं वो नहीं समझा रहा हूँ. तुमको ये समझना चाहिए मुझे लूटने से पहले उसको बंद करवाओ जो नंबर ये दे रहा है. नंबर देगा ही नहीं तो मैं लूटूंगा कहाँ से? अच्छा डिलीवरी बॉय देता है नंबर या फिर पेटीएम की तरफ से तुमको मिलता नंबर है? पेटीएम की तरफ से मिलता है. पेटीएम का जो आदमी बंदा काम करता है ना वो देता है हैक करके उसका सिस्टम. अच्छा अच्छा अच्छा. दूसरा आदमी कौन देगा? तू देगा मुझे नंबर? हाँ बात तो सही है तेरी. खैर के नंबर तो मेरा मिलना इतना आसान तो है नहीं. अरे भाई मुझे मिल रहा है मैं कर रहा हूँ. वहाँ से बंद हो जाएगा मैं भी बंद हो जाऊंगा. पेटीएम से नंबर अगर तेरे को मिलना बंद होगा तभी तुमको कॉल नहीं करेंगे इस तरह से परेशान करने के लिए फ्रॉड कॉल्स. राइट क्या बोला? पेटीएम की तरफ से अगर तुमको नंबर नहीं मिलेगा हम जैसे लोगों का तो तुम कॉल नहीं करोगे ना? से नहीं करेंगे कास करेंगे. तुम्हारा नंबर और नाम मुझे पता ही नहीं रहेगा. डिटेल्स पता ही नहीं रहेगा तो तुम गाली दोगे ना? पता है मेरा नाम भी पता है मेरा लोकेशन भी पता है. क्या बात है ना. सारा डिटेल्स रखा सर सारा कुछ यहाँ पे दिया जाता है कंपनी की तरफ से लूटने के लिए. ठीक है ना? वो एक नंबर का जो चार्ज है ना वो 5 रुपया लेता है वो. अच्छा नंबर लेने का 5 रुपया चार्जेस है? हाँ एक नंबर का 5 रुपया लेता है और एक दिन में कम से कम 15,000 नंबर भेजता है. तो तुम सोच लो कि 15,000 नंबर का कितना रुपया होगा. चलो तुम लोग भी कमा रहे वो लोग भी कमा रहे पर लोग तो हम लोगों का सब लोग कमा रहे हैं. एक लोग नहीं कमा रहे हैं. तुम जिस अकाउंट में पैसा भेजोगे वो निकालने का 20% लेगा और तुमको जो डील कर रहा है वो डील करने का 40 लेगा. अच्छा अच्छा. अरे सब लोग कमा रहे हैं इसमें एक नंबर है. अच्छा कितने लोग हैं मतलब ये जॉब में? इस जॉब में लगभग कंपनी में लगभग कितना बंदा होगा जी? लगभग 4,000 बंदा अभी जॉब कर रहा है यहाँ पे. ठीक है और सबको जानते हो तुम 100 गिराओगे तो उसका 40 रुपया तुम्हारा होगा 60 रुपया मेरा होगा. उसमें तुमको 40 रुपया का फायदा होगा और उसी में 60 रुपये में मुझे 5 रुपया ऑर्डर का देना है रिचार्ज करवाना है मोबाइल तुमको देना है सारा कुछ हमको करना है. बाकी तुमको ये बात बोल के लोगों को लूटना तुमको अगर इस तरह काम करेंगे मतलब लोग पकड़े नहीं. अरे भाई अलग 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 का जितना पुलिस थाना है ना सबको महीना का तनख्वाह देता हूँ 50,000 रुपया. तो फुल सिक्योर है तुम लोग यार. हाँ बोला ना कि डेली 5-10-20 लाख आ जाता है. ठीक है ना? ऐसे ही नहीं चलता है धंधा. ठीक है? अच्छा अच्छा. तो फिर मतलब ये बारे पैसा मिलता है पब्लिक को जो तुम बता रहे हो गाड़ी वाड़ी मतलब पैसा 12 लाख रुपया?
एक रुपया भी नहीं देते हम लोग डायरेक्ट रूट हो गलत क्या भाई। फिर तुम वही बात को जब ऊपर से नंबर नहीं देगा तो हम गलत क्यों करेंगे? ऊपर से जब दे रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं? नहीं तो इस तरह से बात हुई ना कि बड़ा सा घर चोरी चोरी कर रहे हैं, तुमसे जबरदस्ती पैसा थोड़ी ले रहे हैं। अरे तुमको लोग ने फंसाते हैं, तुम फंस जाते हो, दे दो। तुमको लोग जाते कुछ मतलब ये लोग होते हैं, गाँव के लोग होते हैं, ये सोचते हैं ना कि हमको पैसा मिल गया, गाड़ी मिल गई, चलो देते हैं 2,500। अरे यार गाँव के तो लोग कम देते हैं, बाहर के लोग शहर के लोग ज्यादा देते हैं, ठीक है? सिटी के लोग ज्यादा देते हैं, ये तो उल्टा हो रहा है। हाँ उल्टा हो रहा है इसलिए कि गाँव के लोग तो थोड़ा अनपढ़ गवार रहते हैं, इसलिए वो दूसरे के सहारा ले लेते हैं कुछ पाछ के, तो दूसरों उसको मना कर देते हैं। लेकिन सिटी का जो लोग होते हैं उनको लगता है कि मैं लूटघर हूँ, तो वो डाल देते हैं और लूटघर ही में गांव मरा जाता है, वो किसी से पूछते ही है। सही बात है यार। अच्छा कितने साल से कर रहे हो भाई? कितने साल से? अब वो छोड़ो ना भाई, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना मेरा बात। हाँ मतलब इसलिए कर रहा हूँ कि पब्लिक को मालूम ना पड़े, मतलब जो है ना मतलब पब्लिक को पता चले बस, अगर उनको कॉल इस तरह से आती है ना तो कैसे बच सकते हैं वो, इसके पीछे राज क्या है। हाँ?